दोस्तों आज का अपना सफर चालू करते हैं, और ऐसे तो पटना यहाँ से अभी 550 किलोमीटर बच रहा है। अभी दोस्तों अभी हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया, तो आज हमारा खाना बन रहा है, देखिए चिकन। दोस्तों अभी हम कुकर चला चुके हैं, अब जा रहे हैं इसमें चिकन बनाने के लिए अपना। इसमें क्या है कि अच्छी तरह ढक के बनेगा, गैस ही बाहर नहीं निकलेगा। डॉक्टर ये भी तो बोला टाइटिंग कीजिए, वो कब से चल रहा है? टाइम नहीं मिलता है, रात को 12 बजे तक गाड़ी चलाओ, 4 बजे सुबह उठ के फिर चल दो तो कहाँ टाइम मिलता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहा है और हम लोग आ चुके हैं कटघोड़ा। कटघोड़ा का बाईपास में है, देख सकते हैं ये बाईपास का एरिया है पूरा, तो यहीं पर मेरा गाड़ी खड़ा है अभी, तो हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं। आप पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग रायपुर में काफ़ी ज़्यादा काम कराए गाड़ी का, तो काफ़ी लेट भी हो गया था, बारिश चलते दिक्कत भी हुआ था, तो यहाँ तो मौसम साफ है, कड़ा धूप भी है। दोस्तों आज का अपना सफ़र चालू करते हैं, और ऐसे तो पटना यहाँ से अभी 550 किलोमीटर बच रहा है अभी, तो देखते हैं आज हमको 350 किलोमीटर सफ़र आज हो जाएगा। और उम्मीद है कि कल अगर पार्टी अच्छा रहा, बाहर बाहर मिला, तो हो सकता है कल खाली भी हो जाएगा हमारा शाम तक। तो ठीक है दोस्तों अभी सफ़र काटते हैं, यहाँ से निकलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा तो उधर बहुत लग रहा था, अभी यहाँ धूप लग रहा था, अच्छा लग रहा थोड़ा सा, तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से अभी। दोस्तों अभी हम लोग करीब कटघोरा से 50 किलोमीटर आगे आ गए हैं, यहाँ टोल टैक्स के पास, तो देख सकते हैं पूरा खुला खुला जगह है, तो यहाँ पे अभी हम लोग सोच रहे खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि बगल में पहाड़ भी है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो यहाँ पे बना के खाना वाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे, और जगह भी अच्छा लग रहा है, और भी ड्राइवर लोग यहाँ पे साइड में रुके हुए हैं, तो ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। दोस्तों अभी हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया, तो पापा प्याज काट रहे हैं और शुभम लहसुन, तो आज हमारा खाना बन रहा है देखिए चिकन, और ये भी देसी चिकन है जो अभी आते वक्त हम लोग रास्ते में ले लिए थे। दोस्तों कटघोड़ा में मिला हमको ये देसी चिकन, और प्योर देसी है, और इसको हम आग में सेक करके लिए हैं, बनवा करके, मतलब वो कटिंग करता तो फिर आग में सेकता है, तो गर्म पानी धो करके उसी टाइप का देखने में ऐसा लग रहा था, चमड़ा भी इसमें लगा हुआ है, और पूरा हम धो भी दिए दोस्तों, देखिये ये पूरा जो सेक कर देते है आग लगा के वही वाला है पूरा। और यहाँ पे 400 रुपए केजी दे रहा है देसी चिकन, 400 रुपए केजी, तो हम लोग भी ले लिए, मिल गया, रोड साइड में बेच रहा था, तो अच्छा लगा, काफी दिन भी हो गया, दिन भी ठीक है आज, तेरे प्याज वो सब कटिंग कर रहे हैं अभी। दोस्तों बस चिकन बनना स्टार्ट हो गया है, अब देख सकते हैं अभी यहाँ लहसुन और मिर्चा इसको तल लिए हैं, अब प्याज है, प्याज थोड़ा सा महंगा हो गया अभी मार्केट में, फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही काटा है तरी के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ में थोड़ा तरी चाहिए ना, इसलिए प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्याज जो है मतलब आधा से ज़्यादा ही हो चुका है, इसको क्या ना कि जब कुकर गाड़ी में है ही है, तो कुकर में सोच रहे बनाते हैं कि कुकर में थोड़ा पैक होकर बनता है, तो थोड़ा सा उसका मज़ा कुछ और आता है, और ये तो थोड़ा खुला हो जाता है, तो ठीक है दोस्तों अभी कुछ देर बाद और इसको भून लेते हैं, फिर इसको कुकर में डालेंगे। दोस्तों अभी हम कुकर चढ़ा चुके हैं, अब जा रहे हैं इसमें चिकन बनाने के लिए अपना। ये देखिए इसमें क्या है कि अच्छी तरह ढक के बनेगा, गैस ही बाहर नहीं निकलेगा, आराम से बनता है, गिरने का भी डर नहीं है इसमें। मटन दोस्तों इसी पे बनाए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा सीजा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था, तो उसके लेके सोचे चलो चिकन भी, देसी चिकन है, अगर पोल्ट्री रहता तो नहीं बनाते, देसी चिकन है तो थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें भी। दोस्तों देखिए सारा चीज़ मेरा इसमें कुकर में आ गया है, अब इसको भूंजेंगे इसको अच्छी तरह से, और दोस्तों मेरा जानते हैं पटना का माल है मेरा, और माल तो हल्का ही माल रहता है, जल्दी खाली भी हो जाए, लोड तो जल्दी हो गया था, तो लोड भी हमको खाली भी हमको लगा जल्दी हो जाना चाहिए, तो कल देखते हैं पहुंच के अगर खाली हो जाता है, तो एक दो ट्रांसपोर्ट को भी बात किए हम लोग, तो बोला ठीक है पहुंचिए खाली कीजिए ना, आपको बताते हैं माल के लिए, तो हो सकता है कि माल वहीं से हो जाए, अजानबे कहते हैं वहाँ से तो माल मिल ही जाता है, कई बार हम टाटा भी गए हैं, कई बार उड़ीसा भी गए हैं, हाजीपुर से लोड हो जाए या पटना से लोड हो जाए, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। दोस्तों हम जा रहे हैं मसाला तैयार करने, ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो रहा है, ये कढ़ाई में कर रहे हैं, इसके कारण क्या है कि इसमें तेल वगैरह भी है, मसाला वगैरह भी है थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए हम इसी में कर ले रहे हैं, कढ़ाई भी धुल जाएगा और मेरा मसाला भी इसमें आ जाएगा। दोस्तों चिकन तो इसमें लगभग भून चुके हैं, लेकिन जो कढ़ाई का जो मज़ा वो मज़ा तो कुकर में नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा सा हो जा रहा है। दोस्तों अभी पापा देखिए भूंज कर तो निकाल दिए हैं, और शुभम को दिया ट्राई करने के लिए कि भूजा कि नहीं, ये बताएगा अभी, मसाला नमक सब बताएगा। हाँ देते हैं ऐसा आदमी को जिसको पता नहीं चलता है जो नमक भी नहीं बता पाता है कि सही है कि नहीं बताओ तो ठीक है। मसाला नमक कुछ तो नमक ज्यादा या कुछ मसाला कम, ऐसा करके हम कम नमक खाते इसलिए ठीक लग रहा हूँ
चले, ये तो खैर नमक कम खाता है जानते हो, हम ही थोड़ा सा नमक ऊपर, क्योंकि मेरा बीपी लो है तो हमको डॉक्टर बोला कि आप ऊपर से नमक खाया कीजिए, तो हम खाते हैं। पका हुआ कैसा है डॉक्टर? ये भी तो बोला डाइटिंग कीजिए, वो कब से चालू होगा? टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। रात को 12 बजे तक गाड़ी चलाओ, 4 बजे सुबह उठ के फिर चल दो, तो कहाँ टाइम मिलता है? सुबह उठ के 5 बजे उठ के थोड़ा चल लीजिए, उसके बाद गाड़ी लेके चलिए। हम बोलते हैं दोस्तों डाइटिंग करने के लिए, अब नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं हो पाता है ना, अभी तो सब कुछ देखना पड़ता है। अब रात को 12 बजे सोएगा तो आदमी ऐसे, बहुत सोने वाला आदमी, बहुत सा आदमी ऐसे 8-9 बजे उठता है, फिर भी मेरा 4 बजे नींद खुल जाता है, तो मन करता चलो गाड़ी लेके चलते हैं, सफर काटते हैं, आएगा अपना भी समय आएगा। एक चीज बोले, गाड़ी के पीछे जो है ना दिया हुआ, ऊपर छत में 4 बार चढ़ी 4 बार उतरी आपका हो जाएगा। नहीं हम करते डाइटिंग इसका, ये तो डाइटिंग कर रहा है, इसका तो खाना चाहिए डाइटिंग कर। हम बोल रहे हैं अभी भी सुधर जाइए थोड़ा, आने दो टाइम आएगा सब होगा। दोस्तों मेरा तो बन चुका है, जो सीटी लगवाना था वो भी लगा दिए। अरे बाबा सीटी, ये देखिए दोस्तों मेरा बन के रेडी है, कुकर में पहली बार चिकन बना, और सामने मौसम भी देख रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा, ठंडा मौसम है, पूरा बादल किया हुआ है। और ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर भाई आए थे तो बोले थे कि जल्दी खा के निकल जाइएगा, इस एरिया में हाथी भी आ गया है, बोले कि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जो है 2-3 दिन से हाथी आ जा रहा है, तो ठीक है हम लोग जल्दी खा के निकल जाएंगे, क्योंकि रात में रोड पे आ जाए तो दिक्कत कर देगा वो लोग। दोस्तों हमारा खाना बन गया, देख सकते खाना निकाल रहे हैं, और मेरा आज का अरवा चावल है, मेरा उसना चावल खत्म हो गया है, तो उसके चलते अरवा चावल लिए हैं। ये देखिए फिक्स वाला बनाना पड़ता है अरवा चावल, तो थोड़ा जम जाता है, इसको तोड़ना पड़ता है इसको। ये देखिए मेरा चिकन बन के रेडी है, कुकर में बना है, बहुत ही तगड़ा, पर हमेशा कढ़ाई में बना है, लेकिन इस बार कुकर में बना है। इसका सीटी वगैरह भी 2-4 सीटी भी लगवाया इसमें। अब दोस्तों जा रहे हैं चिकन निकालने के लिए, चावल तो सबका निकाल लिए। अभी दोस्तों तीनों का खाना निकल गया है, अब जा रहे हैं खाने के लिए हम लोग। खाना तो बन गया अपना, खा भी रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। देसी का तो खैर बात ही अलग है, महंगा हो पड़ता है लेकिन देसी का अलग ही बात हो जाता है। तो देख सकते हैं इसका तरी भी कितना अच्छा है, और चावल भी बहुत अच्छा बना है हम लोग का। और कुकर में बनने का मतलब क्या है कि उसका सेंट जो बाहर नहीं जाता, सेंट अंदर रखे और अच्छी तरह पका देता है उसको। कुकर में भुंजाता बढ़िया नहीं है, कढ़ाई में भुंजाता बढ़िया है, यही फर्क है बस। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाते हैं और फिर सफर भी काटना है। अभी दोस्तों खाना खा के तो निकल गए हम लोग, और अभी चली रहे सफर में। और कल तो देखे थे कि पिछला ब्लॉक में आप लोग की मेरा गाड़ी का मोबिल पलटी हुआ था, तो चेंज हुआ मोबिल वगैरह, तो मोबिल ज्यादा चलाना भी ठीक नहीं है, मेरा सेट को तो पता नहीं था कब चेंज हुआ था कब नहीं, वो तो बताए थे। लेकिन अभी क्या है कि मिस्त्री बोला कि इतना मतलब मोबिल गाढ़ा हो गया था, पूरा मोबिल आया नहीं नीचे, कुछ कुछ अंदर में ही रह गया इंजन के, तो अभी जो हम डाले हैं पतवाला मोबिल उसमें मिक्स हो जाएगा। तो जैसे जिसका 60-70 हज़ार किलोमीटर में चेंज करना था, बोले थोड़ा इस बार जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर का मोबिल अभी अंदर ही रह गया है, पूरा निकल नहीं पाया, इतना गाढ़ा हो गया था मोबिल। तो हम लोग भी चलो ठीक है, क्योंकि वो मोबिल इसमें आ जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, इस मोबिल को भी ख़राब कर देगा, और अब जो नया मोबिल डलाएगा कम से कम बोले कि 20-25 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद चेंज कर दीजिएगा, तो अब जो मोबिल डलाएगा ना तो वो फ्रेश रहेगा अंदर में। दोस्तों रात के 8 बज चुका है, हम लोग पहुंच गए अंबिकापुर। अंबिकापुर यहां से अभी 10-15 किलोमीटर बचा हुआ है, तो यहीं पे पेट्रोल पंप है तो रुकते हैं यहीं पे। उसके बाद क्या है, रोड भी खराब है और फाका एरिया है, घाटी वगैरह है, जंगल वगैरह है, तो उसके लेकर के सब गाड़ी रुक जाता है अंबिकापुर में, जहाँ तहाँ जिसको जगह मिलता है अच्छा वहीं रुक जाता है। तो हम भी यहीं पर रुक जाते हैं, फिर यहाँ से सुबह उठेंगे 4 बजे और फिर निकल चलेंगे। दोस्तों अभी रात के 11 बजे और हम लोग पंप के पास आके रुक गए हैं, और गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, फिर हम लोग को वहाँ पर लगाना है, क्योंकि पंप वाला बोला कि 11 बजे पंप बंद हो जाएगा, तो आप लोग गाड़ी वहाँ लगा दीजिएगा। तो
तब तक दोस्तों क्या करते हैं, दोनों बाल्टी में पानी भर के रख लेते हैं। ये वाला में तो आधा पानी है और ये पीने वाला खत्म हो गया है, इसको भर लेते हैं अभी। अभी दोस्तों गाड़ी हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा चोरी होने का डर रहता है ना, ऐसे भी गार्ड तो आएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा अंदर करके लगा ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपना गाड़ी अब पूरा सेफ रहेगा। दोस्तों हम लोग अमीगापुर तो पहुँच चुके हैं और हमारा सफर जो है आज दिन भर का करीब 350 हो ही गया है और यहाँ से भी मतलब 350 बचा है पटना। तो इधर रास्ता जो अपना सब दिन का रास्ता है, तो कल दिन भर में हम लोग सफर करेंगे तो कल शाम तक रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे पटना। तो रात में पहुंच को फायदा नहीं है, खाली तो करेगा कि नहीं करेगा वो तो खैर मुश्किल है, रात में करते नहीं है। तो फिर भी अपना कोशिश रहेगा कि कल अपना थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, तो हो सकता है मेरा खाली भी हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। और दोस्तों पम्प में तो आके रुक गए यहाँ पे, यहाँ से मात्र 5-7 किलोमीटर अंबिकापुर पड़ता है और अपना तो खाना पीना तो अपना दिन का ही खाना पीना इतना मतलब ज्यादा बन जाता है कि वही अपना रात में हो जाता है। तो वही अपना खा पी के यहीं पे सोएंगे, यहीं पर यहाँ सुबह उठ के चलेंगे। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा उधर बिहार का सफर। थोड़ा झारखंड में पड़ता है बीच में, थोड़ा झारखंड गढ़वा वगैरह जो ये सब झारखंड में पड़ता है, झारखंड और बिहार सफर आपको कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।